पुष्कर श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नागपंचमी के अवसर पर आज पचकुंड स्थित नाग मंदिर में विशेष पूजा अर्चना समेत धार्मिक अनुष्ठान किए गए। ज्योतिषाचार्य पंडित कमल नैल दादीच ने बताया कि श्रावण मास की नागपंचमी के दिन कालसर्प पूजा का विशेष महत्व होता है। उन्होंने बताया कि कुंडली में राहु और केतु की दशा से कालसर्प दोष बनता है। दादीच ने बताया कि कुछ लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि कालसर्प दोष की पूजा केवल नासिक या उज्जैन में ही होती है। सच्चाई यह है कि पुष्कर की नागपाड़ी में जो नागकुंड है वहाँ नागपंचमी के दिन पूजा अर्चना के बाद चांदी का नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इसी के चलते आज कालसर्प जातक ने पचकुंड स्थित नागकुंड व नाग मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान शिव भक्तों ने भी यहाँ मंदिर पर नाग देवता के दूध चढ़ाकर मनोकामना मांगी। इससे पहले पंडित कमल नयन दादीज के आचरित्व में पारिक कॉलोनी स्थित उत्तराखंड आश्रम में स्थित शिव मंदिर में भी कालसर्प की पूजा की गई। आज श्रावण कृष्ण पक्ष नागपंचमी की विशेष उपलक्ष्य का दिन है और आज मरुधरा नागपंचमी भी है। दो नागपंचमी आती है, एक श्रावण कृष्ण पक्ष की आती है, एक श्रावण शुक्ल पक्ष की आती है। और ये जो होती है मरुधरा वाली होती है वो जो बंगला जैसी जो बंगाल की तरफ के उधर के लोग मानते हैं, दो वेद है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, उसी प्रकार से दो नागपंचमी आती है। अपने अपने परंपरागत के अनुसार कालसर्प योग की पूजा करवाते हैं। अधिकांश लोगों को यही भ्रम है कि कालसर्प योग नासिक में ही कराना चाहिए या कालसर्प योग जाकर के उज्जैन में कराना चाहिए। ये भ्रम जो लोगों में है बहुत फैला रखा है, जबकि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। केवल ये है आज के दिन भगवान नाग देवता का जो मंदिर है उज्जैन में खुलता है और त्र्यंबक ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों है। काल शब्द का मतलब काल यानी समय, सर्प यानी मृत्यु स्वरूप है। तो ग्राहु केतु जनित जब कुंडली में कालसर्प योग होता है उसके अनुसार वो कालसर्प की पूजा करवाई जाती है। और पुष्कर के अंदर जब ब्रह्मा ने यज्ञ किया था तब गरुड़ सर्प का भेद था, तो उस बैर के अंदर सर्पों का उनकी भयंकर लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में भगवान ब्रह्मा ने स्तुति करी थी। तब पहले जो आप देखते होंगे पूर्व में कभी पुष्कर आते होंगे तो देखा होगा ये यज्ञ स्थल पर्वत के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मा जी के यज्ञ के बाद में इस पर्वत को नाग पहाड़ के नाम से जाना जाता है। और जो समुद्र मंथन में नाग वासुकी नाग जो का प्रयोग में लिया गया था उस वासुकी नाग का आज भी पचकुंड के ऊपर नाग कुंड के नाम से मंदिर स्थापित है। तो वहाँ पर यहाँ पर शिवालयों में पुष्कर में कहीं पर भी आप किसी भी शिवालय में पूजन अर्चन करके यदि नाग नागिन का जोड़ा वहाँ पर चांदी का बना करके नवकुल नाग देव का पूजन करके वहाँ विसर्जन करते हैं तो उसका अनंत फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए पुष्कर में कालसर्प योग की पूजा करना उत्तम माना गया। आपका नाम है? यज्ञ सम्राट पंडित कमल नैन। Pizza Point, Kangor, for delicious moments.